बहराइच में कोटेदार की दबंगई देखने को मिली है। कोटेदार के कम राशन देने का विरोध करने पर कोटेदार ने कार्ड धारक को सरेआम थप्पड़ मार दिया है। मामला मोतीपुर तहसील का है। कोटेदार के थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि युवा कोटेदार के यहां राशन लेने गया हुआ था, लेकिन कोटेदार उसे एक यूनिट पर 5 किलो राशन देने के बजाय 4.5 किलो ही राशन देने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो दबंग कोटेदार ने उसे थप्पड़ मार दिया। पीड़ित लाभार्थी ने पूरे इंस्पेक्टर से कोटेदार की शिकायत की है। ठीक है, ये वीडियो तुम्हारे बन गए। हाँ, वीडियो बन गए तुम्हारी। 4 किलो यूनिट दे था ना। हाँ, वही 4.5 किलो। ठीक है, तुम्हारी वीडियो बन गए। को सिखाए है? सिखाए वाले कौन बात है? हम पढ़े नहीं हैं, हमरे ना ध्यान ज्ञान है। यूनिट कई किलो दे था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा, धारा 370 को रद्द करना संवैधानिक है या अवैध। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो अनुच्छेद 370 से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज काफी अहम दिन है क्योंकि आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है। तो बताते चले आपको कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ जो है फैसला सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना ये फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा, धारा 370 को रद्द करना संवैधानिक है या अवैध है, इसी पर आज अहम सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है इस की धारा 370 को रद्द करना संवैधानिक है या फिर अवैध है, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो क्या पूरा मामला है ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है और बताया जा रहा है क्योंकि आज अहम दिन है। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और इसी मामले को चुनौती दी गई। राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 22 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को जब ये सुनवाई हुई तो उसमें कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था, लेकिन आज इस फैसले पर फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी होती है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए क्या था 370 वो भी हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संविधान की उपयोगिता या सीमित थी यहाँ पर और जम्मू एंड कश्मीर को संविधान से अलग रखता था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को आज एएसआई वाराणसी की जिला अदालत अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने 2 दिसंबर को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। वाराणसी जिला न्यायालय ने 21 जुलाई को वजू खाना छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसे पिछले साल वहां पर एक शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बाद सील कर दिया गया था। तो आज एएसआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। कोर्ट ने 2 दिसंबर को आदेश दिया था और आज अहम सुनवाई होनी है। देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है क्योंकि वाराणसी जिला कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी।